मंगलवार के स्टूडेंट्स, देखिए मैंने कल आपको जो है ऑपरेशन ऑफ द सेट्स बताया था मैट्रिक्स में कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, तो आपको जो है इसके लिए मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं ये सब आपको बताया था। तो देखिए इसके हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसा सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 2x + 3y = मैट्रिक्स आपको देखिए 2 3 4 0, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट ईयर में, सेकंड में 3x + 2y, ये आपको देखा 2 - 2 - 1 5, ये आपका सेकंड ईयर। अब देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे 10th क्लास में आपने इक्वेशन सॉल्व करें x और y के वैल्यू निकाली, सिमिलरली बिल्कुल वैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि ये आपकी जो मैट्रिक्स है x और y, इसे हम कैपिटल लेटर्स में यूज करेंगे। अभी के इसमें भी हम ऑप्शन नंबर कॉल कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद सेकंड इक्वेशन को कैसे करें 3 से, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, फिर सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपका वाई 6y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका -5x आ जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सबट्रैक्ट करते हैं -2 12 8 + 3 ब्रैकेट में जगह फिर 0 - 15 - 15, फिर एक्सी मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या -5 आप डिवाइड करते हैं -1/5, तो -2 11 12 - 15, अब -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, इस वजह से आपके मैट्रिक्स एक्स की आ जाएगी 2/5 -12/5 -11/5 (3). अब देखिए इसमें आपका जैसे हमने मैट्रिक्स एक्स निकाले थे तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3y, फिर मैट्रिक्स आप बोलेंगे 2 3 4 0, यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स होता है 2y - 12/5 - 11/5 (3), फिर +3y = 3, अब इसे मल्टीप्लाई करना है 3y = 3, ये आपके मैट्रिक्स है। जैसे हम 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते थे बिल्कुल सिमिलरली हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे उसमें भी हम एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते थे, फिर इक्वेशंस में हम पुट करते थे, फिर अब इक्वेशन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सिमिलरली हम इसमें भी हम ऐसे एज इट इज कर रहे हैं, तो आप इसमें पुट कर दो 3y में हम ये पुट कर रहे हैं तो आपका ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 3y आपके मैट्रिक्स आएगी 6/5 39/5 42/5 - 6। अब देखिए हमें y निकालना है, तो 3 को आप वैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/3 6/5 39/5 42/5 - 6, तो 1/3 से क्या हो जाएगा ये आपका इस पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, तो हर एक से मल्टीप्लाई करना है तो 2/5 यहाँ पे 39/5 - 14/5 - 2, तो इस तरह से ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए और आपका क्वेश्चन नंबर 13 बताऊँ, देखिए आपको यहाँ पे fx दिया है cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 1, अब आपको यहाँ पे कैसे करना है fx को f y, तो fx + 1 यहाँ पे 2 करना है, तो देखिए इसकी एलएचएस से देखें fx में आप देखें cos x sin x 0, फिर -sin x cos x 0 0 0 1, अब देखिए आपको cos y दे रहा है, तो ये आपका आइगन फंक्शन इनके फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में आपको डिफाइन कर, अब आपको f y लेना है, यहाँ पे x के लिए क्या करेंगे आप माइनस रिप्लेस कर देंगे, तो आपका आएगा cos y sin y 0, तो यहाँ पर आएगा -sin y cos y 0 0 0 1, अब इन दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे जाएगा cos x, फर्स्ट होगी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिमिलरली आगे में भी वैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो पहले हम फर्स्ट होगी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका कहेगा cos x cos y, फिर -sin x sin y, फिर इसी तरह से सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट होगी, तो आपके यहाँ पे -cos x sin y - sin x cos y, फिर इसी से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे आप आएगा बेटर होगा 0 1, फिर सिमिलरली हम फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ बेटा sin x cos y + cos x sin y, फिर सिमिलरली हम सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -sin x sin y + cos x cos y, और ये आप आएगा बेटर होगा 0 1, अब देखिए इसी तरह से हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपको क्या होगा 0 0, इसी तरह से आप ये देखेंगे ये भी 0 और ये आपको होगा 1 1, अब यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन गया है, तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं कि cos a माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b, तो किसी का फॉर्मूला होता है cos a + b का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर आप cos x + y, इसी
अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये पावर अंदर साइन है कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी, तो साइन ए प्लस बी का पावर कितना है, ये आपका जीरो हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये साइन का पावर बनेगा साइन एक्स प्लस वाई, ये कॉस का पावर बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये जीरो, ये आपका लास्ट थर्ड लो आपके जीरो जीरो बनेंगे। तो अगर आप इससे कंपेयर करेंगे जो हमें की गई तो ये किसके इक्वल आएगा आपका एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8
मैट्रिक्स इक्वल है तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से 5x/100 इक्वल टू 5×30,000 -x/100 इक्वल टू 1800। अभी आपको इक्वेशन आती है सर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स वैल्यू क्या है 13,000 है जो कि 5% पर ईयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। इसी तरह से 13,000 -x निकाल के तो ये भी आपको 15,000 और 7% पर ईयर बॉन्ड। तो आज आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।